गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल से होंगे। और आज मैं आपके लाया हूँ एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिप जो हमने करी थी साउथ इंडिया में, और वो है आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर में। तो चलिए देखते हैं वो क्या ट्रिप है और आपको कैसे लगती है। बस आप इंजॉय करिए इस वीडियो को और बने रहिए। आपका स्वागत है आज हमारे वीडियो में। आज हम डैडी को लेके जा रहे हैं टडा वाटरफॉल। टडा वाटरफॉल चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, तो आज हम डैडी को लेके जाएंगे और वहाँ एंजॉय करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, आप भी एंजॉय करेंगे। तो पहले देखिए तो डैडी कर क्या रहा है, चलिए आइए देखते हैं पहले डैडी कर क्या रहा है। देखिए डैडी अभी सो ही रहा है, सुबह के 8 बज चुके हैं और हमको फॉल जाना है, लेकिन ये डैडी महाराज सो ही रहे हैं। ये आप देखिए, उठो वेक अप, उठो, चलना नहीं है? नहीं तो ये देखिए डैडी आप देख चुके हैं और चलने के लिए तैयार हैं। वाटरफॉल चल रहे हैं आज? अब नहीं चलते, नीचे चलते। वाटरफॉल नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? वाटरफॉल, वाटरफॉल चलोगे हैं? वाटरफॉल चलेगा। तो हम चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, तो बने रहिए और देखते रहिए टाइम। तो गाइस हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली है और ये देखिए टैडी फाइनली आ चुका है। से हाय। ये देखिए आप इतनी मस्ती में लगा हुआ है अपने। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको जाना है रेड हिल्स टोल, तो हम वाया कथीपुरा होते हुए और वहाँ से अशोक नगर होते हुए सीधा हम रेड हिल्स टोल पहुँचेंगे, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम टडा वाटरफॉल जाएंगे। तो बने रहिए। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। और ये देखिए हिल्टन होटल, तो यहाँ पे ये इस लोकेशन को कहते हैं अय्यप्पा थंगल, हिल्टन होटल है यहाँ पे। क्योंकि हम पुज़ल लेक पे, यहाँ से यहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाई जो पूरे चेन्नई को एक कुछ परसेंट ऑफ पार्ट इस लेक से पानी सप्लाई होता है। ये लेक भी बहुत अच्छा है। बस इससे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ से लगभग 70-75 किलोमीटर बचा है टडा। ये डैडी, इनको भूख लगी आई थी तो ये अब खा रहे हैं अपना टिफिन। क्या खा रहे हो? टिफिन खा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? रेड हिल्स टोल आ चुका है। यहाँ पे चार्ज है 74 आवर, लौट आएंगे तो 110 रुपीज ही लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देखिए ये रेड हिल्स टोल आ चुका है, बस अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम टडा पहुँचेंगे। अब यहाँ से गुमिडी पुंडी सिर्फ 24 किलोमीटर बचा है और आप ये देख सकते हैं बोट पे टोटल टडा बचा है 50 किलोमीटर। तो बस हम आपका अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप? बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? बोलते ही नहीं है, बोलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अपन जा रहे हैं टडा वाटरफॉल। टडा वाटरफॉल? हाँ, टेडा नहीं टडा। टडा वाटरफॉल जा रहे हैं, अपन आएंगे। यस, आर यू रेडी? अच्छा बोलना पड़ता है, आप खुद नहीं बोलेंगे। तो अब हम यहाँ चेक पोस्ट पे आ चुके हैं। अब यहाँ से ये तमिलनाडु और आंध्रा बॉर्डर यहाँ से चालू होगा, आंध्रा चालू हो जाएगा।
तो ये चेक पोस्ट है, बस इस चेक पोस्ट, क्योंकि अब गाड़ी तो पर्सनल है तो चेक पोस्ट तो सब सिर्फ फॉर नेम से होता है, फॉर पर्सनल व्हीकल। तो बस यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। एक हनुमान जी की मूर्ति दिखी है तो हम डैडी को उनके दर्शन कराने ले जा रहे हैं। आइए आइए डैडी, आओ चलो इधर आओ, आ जाओ। ये मूर्ति है, यहाँ पे ट्रक खड़ा, एंट्रेंस शायद वहाँ से है, यहाँ पे ये एंट्रेंस शायद वहाँ से है। अरे कहना क्या चाहते हो? तरफ बढ़ते हैं और फिर अंदर जाके दर्शन करते हैं। बॉर्डर टेंपल है ये, बॉर्डर टेंपल आत्मा। बॉर्डर टेंपल आत्मा है तो ये तमिलनाडु और आंध्र की बॉर्डर पे पड़ता है तो इसलिए इसका नाम बॉर्डर टेंपल रख दिया गया है। देवू चलो, जय भगवान जी की, आओ। और आप देख सकते हैं यहाँ का ये मंदिर कितना खूबसूरत है और यहाँ पे कितनी अच्छी हरियाली है, बिल्कुल पूरी तरीके से नेचुरल। और ये टैडी एंजॉय कर रहा है और यहाँ पे राम दरबार है, बोलिए जय श्री राम। और इस तरफ आपको नौ ग्रहों के दर्शन होंगे, आइए करिए नौ ग्रहों के दर्शन करते हैं। ये देखिए सारे नौ ग्रहों के दर्शन हैं, इसके परिक्रमा करते हैं। टैडी भी सारे नौ ग्रहों की परिक्रमा कर रहा है। आइए मेरे साथ बोलिए जय हनुमान। ये जो हनुमान जी है, ये प्रतिमा जो है 144 फीट की है और ये बॉर्डर टेंपल कहलाता है क्योंकि ये तमिलनाडु और आंध्रा पे बना हुआ है, इसलिए बॉर्डर टेंपल कहलाता है। उधर करो ना भगवान जी को, उधर करो, हाथ जोड़ो, इधर को जाओ। और आपको अगली वीडियो में हम सीधा टडा फॉल पे ही मिलेंगे टैडी के मस्ती के साथ और आप खूब एंजॉय करेंगे। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और टैडी को अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक बड़ा सा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आप अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आप आने वाली वीडियो मिस कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, तो फिर हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।